नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। फेस्टिवल्स की धूमधाम के बाद अब बिल्कुल आप अपनी तैयारी में लग गए होंगे। तो मेरे नौजवान साथियों, बिल्कुल दिवाली के बाद आपको तैयारी और तेज़ कर देनी है, क्योंकि जो रीट की मुख्य परीक्षा है वो भी आपको पता है, उसकी भी डेट आ चुकी है, विज्ञप्ति जारी, विज्ञप्ति के पदों की संख्या हो चुकी है, पद वैसे ही कम हो चुके हैं, तो थोड़ा सा नुकसान तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर भी हम उन सब चीज़ों से थोड़ा परे हमारी तैयारी को और मजबूत कर लें, ताकि चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से हो और हमें मज़ा आ जाए। ठीक है, उसी क्रम में हमारे टूरिज्म वाला टॉपिक है और आज हम पहुँचे हैं सवाई माधोपुर पर। उम्मीद है कि आज इस टॉपिक को हम क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में दोस्तों एक है रणथंभौर का किला। सवाई माधोपुर में कौन सा है? सवाई माधोपुर में है रणथंभौर का किला। यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर है। बिल्कुल सही बात है, ये भी याद रखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। किले के तीन तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाई बनी हुई है, इस कारण अबुल फजल ने कहा था कि सभी दुर्ग नंगे हैं बल्कि यह बख्तरबंद है। चलिए, दूर से देखने पर यह किला दिखाई नहीं देता है, इसे मजबूत और अजय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चौहान राजा रणथंभन देव ने करवाया था। किसने करवाया? चौहान राजा रणथंभन देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को भी इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर का यह उल्लेखनीय किला चौहान शासकों द्वारा 10वीं 11वीं शताब्दी में बनाया गया और एक आदर्श सामरिक स्थान होने के कारण यह दुश्मन को खाड़ी में रोके रखने के लिए उपयुक्त था। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की घेराबंदी की, तब यह किला राजघराने की महिलाओं के जौहर की ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना 1301 में। किले की विशेषताएं यहाँ के मंदिर, जलाशय और विशालकाय द्वार और सुदृढ़ प्राचीरों में दिखाई देता है। रणथंभौर किले की बात करें तो हम्मीर देव की आन बान का प्रतीक इसे दुर्गाधिराज, के साथ इसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई के रूप में भी इसे जाना जाता है। रणथंभौर किले में हम यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो दुर्ग के अलावा आप रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको 32 खंभों की छतरी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको गुप्त गंगा, यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर रणत भंवर गणेश मंदिर, जिसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप पदमला तालाब देख सकते हैं, यहाँ पर आप राणा सांगा की अधूरी छतरी देख सकते हैं जिसे अधूरा स्वप्न कहा जाता है, यहाँ पर आप कुत्ते की एक खंभे की छतरी देख सकते हैं, और जो इसका दरवाजा है वो नौलखा दरवाजा है, वो अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं। तो रणथंभौर में आप बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर दुर्ग के भीतर शामिल होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट बात करें तो आगे सिरोही में चलते हैं। सिरोही में गुरु सिकर अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की चोटी है। आध्यात्मिक कारण यानी अध्यात्म के कारण गुरु दत्तात्रेय की समाधि है, मंदिर है यहाँ पर। 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर है इसकी, 1727 में डाउट होता है, किताब ने हमें 1722 दिया है, 1722 याद रखिएगा। माउंट आबू का विहंगम दृश्य देखने के लिए, प्रकृति की छटा को निहारने के लिए गुरु शिखर की यात्रा अनुपम है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ऋषि आत्रेय और उनकी पत्नी अनुसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया था, और वैष्णव समुदाय के लिए यह तीर्थस्थल महत्वपूर्ण है। किसको? अनुसुईया को, कवि आत्रेय और अनुसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक प्रधान पुत्र प्रदान किया, और वही दत्तात्रेय जी का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में है, याद रखिएगा। बहुत ही शुभ और पवित्र मंदिर माना जाता है दत्तात्रेय जी का मंदिर। वहीं सिरोही में आप चलेंगे तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, किसके मंदिर? दिलवाड़ा के। पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाहर से साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर, भीतर पहुंचने पर पर्यटकों को अद्वितीय वास्तुशिल्प और इसमें की गई पत्थरों पर शानदार नक्काशी से अचंभित कर देता है। इसकी आंतरिक सज्जा में कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ती है। इस मंदिर को 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसकी छतों, मेहराबों और खंभों पर की गई कारीगरी को देखकर पर्यटक ठगे से रह जाते हैं।
दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाषित सुंदरता, यानी जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, मंदिर के आसपास का हरियाली से भरपूर शांत वातावरण लाजवाब है। बिल्कुल भैया, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, वेलकम, राम राम। ऐसी झील जो ऐसा किद्वंती है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से जिसे खोदा, गरासिया जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है नक्की झील। माउंट आबू के मध्य स्थित नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है, भारत की पहली। दोस्तों याद रखिएगा, इंपोर्टेंस ही रखता है, भारत की पहली मानव निर्मित झील है। गहरी और 1/4 मील चौड़ी झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो कभी माउंट आबू जाएं तो झील के दर्शन जरूर करें, झील पर जरूर बोटिंग करें। किंवदंतियों से एक किंवदंती यह है कि झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था, इसलिए इसका नाम नक्खी, नक्खी यानी नख, नख यानी नाखून पड़ा। इस नक्की झील के पास सन 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया था। नक्की झील में महात्मा गांधी जी की अस्थियों को बहाया गया, कुछ अंश को, कुछ भाग को, यह भी याद रखिएगा। इसके बाद गांधी घाट का निर्माण यहां पर किया गया। प्रकृति प्रेमी फोटोग्राफर्स के लिए झील का साफ सुथरा नीला पानी, हरी भरी वादियां, चारों तरफ की प्राकृतिक छटा, रूमानी कल्पित और अद्भुत अंश स्वप्निल और तृप्त करने वाले हैं, इस आकर्षण भरे स्थल को देखने को बाध्य करते हैं। इस आकर्षण भरे स्थल को देखने को क्या करते हैं, बाध्य करते हैं, याद रखिए। तो नक्की झील देवताओं के नाखूनों से बनी और गरासिया जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। नक्की झील को गरासिया जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल किसको माना जाता है, तो गरासिया जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल नक्की झील को माना जाता है। चलिए दोस्तों, टोंक की यात्रा करते हैं। टोंक की बात करें तो राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी के रूप में पहचान बनाने वाला बिसलपुर बांध एक गुरुत्व बांध है, जो कि बनास नदी पर निर्मित किया गया। यह राजस्थान के टोंक जिले के देवली कस्बे के पास है और इस बांध का निर्माण 1999 में पूरा किया गया था। तभी से यह बांध राज्य के कई क्षेत्रों को पानी सप्लाई करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है, बिसलपुर बांध। इसके बाद सुनहरी कोठी, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है राजस्थान के टूरिज्म में। टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंसन, दोस्तों याद रखिएगा, गोल्डन मैंसन। कोठी को कहते हैं मैंसन, सुनहरी यानी गोल्डन। गोल्डन मैंसन कहां पर स्थित है, टोंक में। गोल्डन मैंसन कहां पर स्थित है, टोंक में, जो नजरबाग रोड पर एक बड़ा कुआ के पास है। इमारत अपने बाहरी स्वरूप से साधारण लगती है, लेकिन इसके आंतरिक भाग की बहुरंगी स्वर्ण रंगों की शाही झलक इसके नाम से मेल खाती है, यानी गोल्डन मैंसन, सुनहरी कोठी। शीश महल या सुनहरी कोठी का शीशे से शोभायमान कमरा मीनाकारी कार्य के सर्वोत्कृष्ट नमूनों के साथ अद्भुत ग्लास और फूलों के अलंकरण की कारीगरी मंत्रमुग्ध करते हैं। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक संपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। कितनी तारीख को, 7 मार्च 1996 को सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। यह बात आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेनी है, डेट याद कर लेना, 7 मार्च। आपसे पूछ रहे कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक सुनहरी कोठी को किसने घोषित किया, राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने, तो राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने नहीं, राजस्थान सरकार ने। बाजा च नौबत बाजा महारा डिगी पुरी का राजा, आंधा ने आंखें दीजो महारा डिगी पुरी का राजा। तो डिगी कल्याण जी का मंदिर, डिगी कल्याण जी का मंदिर 5600 वर्षों पूर्व का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में से एक डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी को माना जाता है। पूरे देश से लोग यहाँ अपने दुखों से मुक्ति और देवता के आशीर्वाद के लिए आते हैं। प्राचीन काल की शिल्प कौशल की गवाही देता है यह मंदिर। टोंक से लगभग 60 किमी की दूरी पर स्थित है और 16 स्तंभों पर आधारित है। यह प्रश्न आज दिन तक पूछा नहीं गया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि डिग्गी कल्याण जी के मंदिर, यानी ये विष्णु की प्रतिमा है, भगवान विष्णु की प्रतिमा। यहाँ पर किसकी प्रतिमा है, यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है दोस्तों, और 16 स्तंभों पर आधारित है, याद रखिएगा, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर।
राजस्थान का अन्न भंडार, गंगानगर को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान का अन्न भंडार। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ। यहां हर माह की अमावस्या को, येल्लो साहब, हर माह की अमावस्या को, यहां पर हर माह की अमावस्या को मेला लगता है। कहा जाता है कि जत्थेद्वार बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मस्सा रंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था, इसी कारण इस गुरुद्वारे को बुड्ढा जोहड़ कहते हैं। सिख हिंदू सांप्रदायिकता का प्रतीक है बुड्ढा जोहड़ का मंदिर, ठीक है। तो इस गुरुद्वारे का निर्माण, अमावस्या का मेला, गुरुद्वारे को बुड्ढा जोहड़ा कहते हैं। हिंदुमल कोट सीमा, यह क्या है हिंदुमल कोट सीमा, यह क्या है? देखिए, गंगानगर में स्थित हिंदुमल कोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करती है। बीच में है हिंदुमल कोट सीमा जो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करती है। बीकानेर के दीवान हिंदुमल के सम्मान में नामित और सीमा के पास स्थित यह पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सीमा श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर है और यह प्रतिदिन प्रातः 10 से शाम 5:30 के बीच पर्यटकों के लिए खुली रहती है। सुबह 10 बजे ओपन होती है, शाम को 5:30 बजे। कभी जैसे आप जाते हैं अमृतसर जाते हैं तो आप बाघा बॉर्डर देखकर आते हैं, इसी प्रकार अगर आप कभी श्री गंगानगर जाएं तो हिंदुमल कोट सीमा जरूर देखकर आएं, ठीक है, हिंदुमल कोट सीमा जरूर देखकर आएं। चलिए आगे की बात करते हैं। उदयपुर झीलों की नगरी, उदयपुर झीलों की नगरी। पिछोला झील, जो अन्न भंडार गंगानगर गया, उदयपुर आ गया झीलों की नगरी। पिछोला झील का सौंदर्य ढलती शाम के समय सूर्य की लालिमा में सोने की तरह दमकता है। पिछोला, पिछोली गांव के कारण, पिछोली गांव, आज जहां पिछोला है वहां पहले पिछोली गांव हुआ करता था। पिछोली गांव के कारण झील का नाम पिछोला पड़ा और जग निवास और जग मंदिर द्वीप इसी झील में स्थित है। झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस है। सूर्यास्त होने पर झील में नाव की सवारी झील और सिटी पैलेस का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो पिछोला झील, और पिछोला झील के निकट ही अभी या तो आगे होगा क्या, मनसा पूर्णकर्णी माता का मंदिर है, जहां पर राजस्थान का दूसरा रोपवे लगा है जो सबसे छोटा रोपवे कहलाता है। उसी के बाद यहां पर आप जाइए पिछोला देखने के बाद फिर फतेह सागर देखिए। पिछोला के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदा के किनारे स्थित यह रमणीय झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी है, एक कृत्रिम झील है। झील के मध्य नेहरू गार्डन, एक द्वीप पर उदयपुर की सौर वेधशाला भी है। इससे पहले कनोट बांध कहा जाता था क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनोट के द्वारा किया गया। राजस्थान की ऐसी झील जिसे कनोट बांध के नाम से जाना जाता था तो वह है आपकी फतेह सागर झील। कौन सी झील है? फतेह सागर झील को कनोट बांध के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनोट के द्वारा किया गया, ड्यूक ऑफ कनोट के द्वारा किया गया। उसके बाद है सहेलियों की बाड़ी। कौन सी बाड़ी? सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था। एक छोटे से संग्रहालय के साथ इसमें संगमरमर के हाथी, फंवारे, मंडप और कमल कुंड जैसे कई आकर्षण हैं। कमल कुंड जैसे कई आकर्षण यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सहेलियों की बाड़ी में। कहां पर है? उदयपुर में। यह याद रखिएगा, इसका निर्माण याद रखिएगा संग्राम सिंह सेकंड, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया। उसके बाद भारतीय लोक कला मंडल, जिसकी स्थापना 1952 में देवीलाल सामर ने की। भारतीय लोक कला मंडल, जिसकी स्थापना 1952 में देवीलाल सामर ने की। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का एक सांस्कृतिक संस्थान है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संस्कृति, त्योहारों, लोक कला और लोकगीत के लिए समर्पित है, ठीक है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा यह एक संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन करता है। भारतीय लोक कला मंडल के माध्यम से ही आपको पता होना चाहिए कि कठपुतली जो नृत्य है उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई देवीलाल सामर ने, किसके? भारतीय लोक कला मंडल की सहायता से। उसके बाद आगे
नागदा, उसके बाद नागदा छठी शताब्दी के अंश को समाहित किए। नागदा उदयपुर से 22 किमी की दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा नागदा जटिल नक्काशीदार सहस्त्रबाहु मंदिर के लिए, जिसे हम वर्तमान में सास बहु का मंदिर भी कहते हैं, सास बहु का मंदिर भी जिसे हम कहते हैं, सास बहु का मंदिर भी जिसे हम वर्तमान में कहते हैं, सहस्त्रबाहु का मंदिर के लिए प्रसिद्ध है आम लोगों में सास बहु मंदिर के नाम से। देखा ना, 9वीं-10वीं शताब्दी में निर्मित किए गए इस मंदिर का वास्तुशिल्प अतुलनीय है तथा इसका तोरण द्वार अद्भुत बनाया गया है। इसका तोरण द्वार अद्भुत बनाया गया है। बिल्कुल साथियों, ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ अगर आप हमारे साथ थ्योरी क्लासेज में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आज ही आप महाराणा बैच ज्वाइन कर लें। महाराणा बैच फॉर सीईटी 2022 6 अक्टूबर से बैच प्रारंभ हो चुका है। 6 अक्टूबर से बैच प्रारंभ हो चुका है, वो तक तब मतलब 6 अक्टूबर से पहले तक की क्लासें आपको, 6 अक्टूबर से जो अब तक आज से पहले की जो क्लासें वो आपको रिकॉर्डेड और बाकी लाइव चली रही हैं। कोर्स संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं। कोर्स फीचर्स की अगर बात करें तो आपको 300 घंटे का कोर्स मिलेगा, वीकली टेस्ट आपको यहां देखने को मिलेगा, कंप्लीट कोर्स कवर यहां पर आपका होगा, डाउट सेशन भी आपका यहां पर लिया जाएगा, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज एग्जाम तक भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, प्रिंटेबल PDF आपको मिलने वाली है और वीकली गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको यहां पर मिलने वाला है। इसी के साथ आपको यहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको यहां पर करवाया जाएगा, यानी टॉपिक खत्म होने के साथ ही आपसे टेस्ट ले लिया जाएगा। इसके बाद की अगर बात करें तो क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइए, अपने आप को लॉगिन कीजिए, पासवर्ड बनाइए, फिर राजस्थान एग्जाम्स पर सिलेक्ट करिए जो आपका गोल होना चाहिए, वहां से आप CET पर जाइए। CET पर जाने के बाद आप देखेंगे महाराणा बैच फॉर राजस्थान CET 2022, उस पर जाइए और यहां से आप सीधे इसे बाय नाउ कर सकते हैं। यह कोर्स आपको मिलेगा 1999 में और आप इसे अपनी प्लेलिस्ट का हिस्सा बना लें और अपनी तैयारी को और मजबूत कर लें। क्या कर लें? अपनी तैयारी को और मजबूत कर लें। चलिए ठीक है दोस्तों, अभ्यास प्रश्न की बात करें तो आइए फटाफट बताइए, हवा महल का निर्माण किस वर्ष हुआ था, सॉरी हवा महल का क्या, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, जल्दी से बताओ, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, जल्दी से बताइए, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट फटाफट कमेंट करें भाई सभी साथी जल्दी से। तो मेयो कॉलेज की स्थापना हुई 1875 में, सॉरी एक सेकंड रुकते हैं, मेयो कॉलेज की स्थापना हुई 1875 में। कहां पर है मेयो कॉलेज? अजमेर में, एक बोर्डिंग स्कूल के तौर पर था अंग्रेजों के बच्चों के लिए। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? 1985 में इसे दर्जा दिया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया। और केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है, पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यह आपके दोस्तों कहां पर है? भरतपुर में है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? जागीर जो किस पर? चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है, एक पठार पर स्थित है, तो वह है दोस्तों आपका भैंस रोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है साथियों? भैंस रोडगढ़ दुर्ग। आगे बढ़ते हैं, हवा महल का निर्माण किसने करवाया, हवा महल का निर्माण किसने करवाया बताइए, हवा महल का निर्माण, हवा महल का निर्माण किसने करवाया, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण दोस्तों आपके प्रताप सिंह ने करवाया, 1799 में करवाया, जिसके वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। और श्रद्धानंद जी का आश्रम कहाँ है, यह आपका आज का HW क्वेश्चन है, बताइएगा कि श्रद्धानंद जी का आश्रम कहाँ पर है। तो मेरे नौजवान साथियों, ऐसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। श्रद्धानंद जी का आश्रम वाला क्वेश्चन आपको बताना है कि वो कहाँ पर है, ठीक है। जैसलमेर में आप देखो, जैसलमेर में आप आकलपुर फॉसिल पार्क देख सकते हैं, जैसलमेर का किला देख सकते हैं आप जैसलमेर में, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जगह। राष्ट्रीय उष्ण संस्थान बीकानेर में, ताल छापर अभ्यारण चूरू में, बारामती सीताबड़ी का महत्व, तो शिव मंदिर है, भवानी नाट्यशाला का निर्माण झालावाड़ में, ठीक है, ये सभी मिला लिए। नागदा कहाँ पर है, मिलान कीजिए तो नागदा कहाँ पर है, कतरियासर, कतरियासर कहाँ पर है, बीकानेर में,
खेतड़ी महल झुंझुनू में, सूंदा माता जालोर में और नागदा उदयपुर में है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ से आसानी से पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे की बात करें तो हमारे पास लेसन नंबर कौन सा है भाई, अब जिसकी हम अगले दौर में पढ़ाई करेंगे, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और अगर आप पर्सनली महाराणा बैच के अलावा अगर आप पर्सनली चाहते हैं कि हम सर कुछ पर्सनल चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप हिंदी केवल हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो गुरु दक्षिणा बैच से जुड़ सकते हैं, आप केवल साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो विवेकानंद बैच से जुड़ सकते हैं, EORO में नगर पालिका एक्ट या संपूर्ण नगर पालिका बैच पढ़ना चाहते हैं पार्ट ए पार्ट बी तो आप नगर पालिका बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नगर पालिका एक्ट करेंगे 999 में केवल पार्ट बी और कंप्लीट है 1999 में। तो बिल्कुल दोस्तों हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और बेहतरीन तैयारी में जुड़ जाएं। मैं लेता हूं आपसे इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।